नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। रामपुरा मोहल्ला मोहना हनुमान मंदिर के पास वाली सरकारी जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने रातों रात कोटरा रख दिया है, जिसके संबंध में आदिवासियों ने एसडीओपी और तहसीलदार घाटी गांव को आवेदन देकर अवगत कराया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही आवेदन में भी बताया गया कि कुछ लोग अपनी महिलाओं को आगे करके झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई करने की मांग की। आवेदन देने वालों में नब्बा आदिवासी, रामकली आदिवासी, पपीता आदिवासी, भूरी आदिवासी और 8-10 लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि आदिवासी लोगों द्वारा आज कार्यालय आकर आवेदन किया गया, जिसमें दबंग लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर किया गया अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। चूंकि मामला राजस्व विभाग का है, इस संबंध में हमने तहसीलदार घाची गाँव को पत्र जारी कर दिया है, उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। आज तुम तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ क्यों आए हो? हम अपनी आवेदन इस बात के लिए आए थे कि हमारे कुछ कब्जा कर लिया, हालांकि जो है सरकारी पर, लेकिन जो है हमारी मंदिर की है वो उनसे, तो मतलब जो है आरत सरकारी है, जैसे हमारे मंदिर की है तो मतलब उस पर जो कब्जा करने वाला है उसके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। तो तहसीलदार साहब ने क्या बोला है आपसे? तहसीलदार ने कहा अभी वो सरकारी है, आपकी मंदिर की है, तो हम आपके पास जरूर कार्रवाई करेंगे, और जहाँ तक की और भी है तो हम ऊपर तक जहाँ भी शिकायत पहुँचाएंगे। और अगर तहसीलदार साहब कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपका हमारा अगला कदम भोपाल होगा, आगे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज आदिवासी लोगों ने ज्ञापन दिया है, चूँकि ये गवर्नमेंट जगह है, इनका कहना है, तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है आपके द्वारा? बिल्कुल, इनका आवेदन अभी हमें प्राप्त हुआ है जी, और इसको हम अभी पटवारी और आरआई के माध्यम से इस जगह का निरीक्षण करवाते हैं और रिपोर्ट लेते हैं जी, क्या स्थिति है। अगर सरकारी जमीन होगी तो इसके आगे 248 की जरूरत कार्रवाई की जाएगी सर। इस